Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दीपावली के बाद से हमारा कोई नया वीडियो नहीं आया था, कुछ वजह से हम लोग काम में फंसे हुए। हम भी अपने काम में बिजी थे, भाई भी अपने काम में काफी बिजी थे, इसलिए हमारा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था और हमें एक्चुअली कहीं बाहर जाना था। गाइस, आपको पता है कि धनबाद में भी द बर्गर कंपनी खुल चुका है, इसकी आउटलेट ऑल ओवर इंडिया हर जगह है। तो धनबाद में नहीं था, तो अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का बर्गर का क्या टेस्ट है, प्राइस क्या है और एम्बियंस काफी अच्छा है। तो अंदर चलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ काफी कंफर्टेबल सोफा है और प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। और मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो द बर्गर कंपनी का ये लोगो, और इन्होंने काफ़ी अच्छा वेल डेकोरेट करा है इस पूरे इस अपने कैबिन को, और यहाँ का एम्बियंस काफ़ी खूबसूरत है और इसके प्रॉपर लाइटिंग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज हम हैं द बर्गर किंग कंपनी के अंदर, जो कि एक आउटलेट है, बहुत पैन इंडिया में हर जगह पर है। धनबाद में नहीं था, धनबाद में भी खुल चुका है। और इनकी जो प्राइसिंग वगैरह होती है, काफ़ी लोवेस्ट प्राइस पर ये अच्छे बर्गर प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने भी अभी क्रिस्पी बर्गर ऑर्डर किया, देखते हैं 89 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा क्रिस्पी चिकन बर्गर। कुछ इसका मेन्यू हमें आपको शेयर, हाँ मेन्यू दिखा देते हैं हम लोग, ताकि जब भी आप आओगे यहाँ पर, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा आसानी हो कि किस टाइप, ताकि आपको आसानी हो कि किस टाइप का चीज़ यहाँ मिल रहा है और क्या प्राइसिंग वगैरह है। तो ये है इनका मेन्यू, बॉम्बे बर्गर, नॉन वेज चिकन बर्गर, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे आपको बॉम्बे बर्गर आप 39 में मिल जाएगा 65 में। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो, और यहाँ का डेकोरेशन आप देख सकते हो। तो ये सामने में जो है इनका ये काउंटर है, जहाँ पर आपको जा कर के ऑर्डर करना पड़ेगा, और आपको सेल्फ सर्विस है बर्गर। सो ग्राहक की इनका सिस्टम ये है कि जब भी आप ऑर्डर करने के बाद आराम से बैठ जाए, नेम अनाउंस होगा, नेम अनाउंस होने के बाद आपको वहाँ पर जा कर के अपना ऑर्डर लेना है। तो सामने में शीशा वगैरह है, काफ़ी क्लीन शीशा है, और हम बस ऐसे ही घर में बैठे हुए थे और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाए थे, तो सोचे चले देखते हैं कुछ व्लॉग बनाते हैं। जो लोग हम लोगों का डिमांड था कि बहुत दिन से हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे हैं 1.5 महीने से, तो फाइनली हम लोग को कोई आउटलेट मिला है जो आउटसाइड धनबाद नहीं, इनसाइड धनबाद है। वाइल हम आपको यहाँ का जो पूरा एक व्यू है, छोटे से बहुत बड़े एरिया में नहीं पर अच्छे खासे एरिया, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इनका सिटिंग एरिया है, तो ये इनका सिटिंग एरिया है, यहाँ पर आप बैठ कर करके इंजॉय कर सकते हो। ये पूरा एरिया है का, और कुछ ये एरिया है, ज़्यादा प्लेस नहीं है पर अच्छा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये हाँ, तो ये हमारा आ गया है ऑर्डर चिकन बर्गर का, ये 89 रुपीज़ में है, आपको मिल जाएगा चिकन बर्गर। बेहतरीन प्लेस पे अगर आपको इस टाइप का चीज़ मिल जाता है खाने को, दो बर्गर आपको 89 रुपीज़ कर करके है और ये 20 रुपीज़ करके आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप सिर्फ 200 में इंजॉय कर सकते हो परमाता मॉल। आप जब भी आते हो तो आप इंजॉय कर सकते हो इस जगह को। चलिए बर्गर टेस्ट करते हैं दो भाई, साथ में ये है कि आप कोल्ड ड्रिंक भी है। एम्बियंस का बहुत खूबसूरत है, मतलब जो कि दिल्ली में है, दिल्ली से तो छोटा है ये प्लेस, लेकिन बढ़िया खूबसूरत बनाया है। धनबाद के लोगों के लिए, धनबाद के लिए बेस्ट है, कि धनबाद में परमात्मा मॉल में बहुत सारा और भी आउटलेट है, लेकिन इतना अच्छा सुकून वाला जगह अच्छा के साथ ही, तो आपको ये जगह काफ़ी पसंद है। हमारे व्यूवर्स के लिए ये जगह पे आए, ज़रूर इंजॉय करें। यहाँ पर हम कोई आपको डिस्काउंट नहीं दिलवा सकते क्योंकि ये
फेमस आउटलेट है, बाकी जगह पे हमारी तरफ से डिस्काउंट रहता है। कुछ इस टाइप का इनका बर्गर होता है 89 रुपीज़, काफ़ी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट ढूंढ रहे थे ना तो। अच्छा, ये सॉफ्ट है और पर 89 रुपीज़ में एम्बियंस का पैसा एक्चुअली लगता है। हाँ, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने वाले को भी महंगा पड़ता है थोड़ा। हाँ, ये चीज़ मिलेगा है ना, और साथ में ये लोग वेल एक्सपीरियंस रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस रहते हैं, प्लस आप जो है ना कि इस जगह पे आप फोटोशूट वगैरह कर सकते हो, एक अच्छा पल। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जब जहाँ पर जाएँ वहाँ पर हर कुछ आपको सस्ता ही मिले और खाने ही जाते हैं। मोस्टली लोग जाते हैं फ़ोटो खिंचाने और सही वक्त टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बाकी टेस्ट करने के बाद बताओ भाई, ये इसका बर्गर कैसा है? बर्गर कैसा है? हाँ, अच्छा है। फ्रेंड के साथ आओ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, मतलब ये एम्बियंस जो हम लोगों ने अभी तक नोटिस किया यहाँ पर, मोस्टली यहाँ पर जो कपल है, चाहे वो लड़के कपल हो, लड़के लड़कियाँ हों, वो लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि शांत है, हल्का म्यूज़िक बज रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा किसी को। 227 पड़ा हमें। रीज़न ये है कि कुछ GST वगैरह लगता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बर्गर, देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत लाजवाब है। पर भातम मॉल में अभी तक हमको बहुत अच्छा कोई रेस्टोरेंट लगा नहीं। एक लगा था जो बाद में अच्छा हुआ, लेकिन हमारे टाइम पर ख़राब था, और ये दूसरा है जो कि हमने एक ही बार में अच्छा लग गया। प्रभातम के अंदर में ये अच्छा लगा। एम्बियंस के साथ साथ इनका बर्गर भी बैठे, ये देख लो लोग कितने अच्छे से बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ का काफ़ी खूबसूरत क्या है भाई, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का एम्बियंस था और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। इंजॉय मीन्स खाना, ये जो बर्गर है बहुत टेस्टी है। 90 रुपये में आजकल इतना टेस्टी नहीं मिलता। अगर जाएंगे कहीं पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ बहुत महंगा रहता है, 20 रुपये 25 रुपये में तो मोहल्ले में रहता है। तो इस जगह पे भातम मॉल नज़दीक में है, कहते हैं ना इंस्टाग्राम पोस्टेबल, वो चीज़ें हैं, मतलब आपको ये एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगेगा। एक टिप जो हमेशा हम लोग बताते हैं कि आप जब भी प्रभातम मॉल याद आते हैं तो जल्दी नहीं, आपको पैसा कैरी करना है, मन है आपको बैठिए, कोई आपको ये सेल्फ सर्विस वाला है, तो यहाँ पर आपको कोई वेटर या वेटर्स आके आपको परेशान नहीं करने वाला कि क्या ऑर्डर करना है आपको। अगर इस पे तो आप इस बैठ के स्पेंड कर सकते हो टाइम और जा सकते हो। पर आ गया तो भाई कुछ खा भी लिया। हाँ, खा लोगे तो बढ़िया है, 90 रुपये मिल रहा है, बढ़िया है, इंजॉय कर सकते हो। बाकी हमारे साथ इसी तरह से, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि हमारे चैनल ग्रो हो और हम थोड़ा दूर जा सकें। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त कम है और प्लान हमारा थोड़ा पोस्टपोन हो गया किसी के ट्रीटमेंट की वजह से। हम लोग कुछ दिन के बाद फिर जाएंगे और जल्दी हम लोग एक यूनिक वीडियो अपलोड करेंगे। ये हमें यूनिक स्पेशल लगा तो हम लोगों ने चाहा कि आपको ये शेयर कर दें। आपको इसी तरह यूनिक वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि और एक हमारा न्यू वीडियो आने वाला है, द स्केची ईटर का वीडियो आने वाला है। वो जल्दी अपने एक स्टूडी थीम के बेस पे बना एक काफ़ी यूनिक रेस्टोरेंट है वो धनबाद में। हम लोगों ने अभी वीडियो अपलोड, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हो और जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नए अपकमिंग वीडियो की अपडेट्स सारे मिलते रहेंगे। तो गाइस, आप बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा, और यहाँ अगर जो आप विजिट ऑलरेडी कर चुके हो तो यहाँ का फूड कैसा है वो ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय, गुड नाइट।